Assalamu alaikum, welcome to Creative Barber. In this video I am going to teach you how to update data in database using Node.js. जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप MySQL डेटाबेस के अंदर मौजूद डाटा को अपडेट कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो Node.js की मदद से। तो इसमें हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो MySQL है, और बाकी आप अगर प्रीवियस सारा कोर्स देख के आ रहे हो तो आपको सारी समझ होगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो आप एक दफ़ा चैनल क्लास में विजिट करो और पूरी प्लेलिस्ट एक तरतीब के साथ देखते आओ। तो इसमें हम अपनी कमांड किस तरह से लिखेंगे, सिर्फ हम इसमें बाकी नॉर्मल उतना वैसे कोड होगा जो आपको प्रीवियस मैं हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, सारा वही कोड होगा, सिर्फ आपने यहाँ पर कमांड चेंज करनी है। तो आपने कमांड यहाँ पर क्या चेंज करनी है, अपडेट अपडेट, और उसमें अपडेट आप अपने टेबल का नाम देते हो, कौन सा आपने टेबल अपडेट करना है। तो मैंने टेबल अपडेट करना है पर्सन टू, मैं आपको यहाँ पे पर्सन टू जो है वो ओपन करके दिखाता हूँ, पर्सन टू ये वाला। अब पर्सन टू के मेरे पास बाबर, आमिर, ऐशा, अक्रम और ऐशा। अब यहाँ से इसमें से किसी का एक का मैं जो डाटा वो चेंज करूँगा, अपडेट करूँगा, उसे चेंज भी आकर कह सकते हो अपडेट भी, अपडेट पर्सन। और अब आप यहाँ पर देते हो सेट, सेट क्या करना है, नेम, नेम के बजाय पहले एड्रेस कर लेते हैं, ये ऊपर से हम एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, यस लिख ADRESS, एड्रेस इज इक्वल टू ABC, आई थिंक हमने ABC दिया हुआ था, यहाँ पे ABC हमने दिया हुआ था, और यहाँ पे हमने देना है वेयर, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू ABC। अब यहाँ पे हमने देना है एड्रेस वो वाला जिसके साथ हमने अपडेट करना है। अब ABC को हमने अपडेट किसके साथ करना है वो आप यहाँ पे दोगे, इस ये जो VR है इसको भी आप कैपिटल कर दो, संभाल भी लिखा रहने दो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको कैपिटल लिखता हूँ, वो एक इसकी प्रॉपर कमांड बनती है। अब यहाँ पे इसको आपने नॉर्मल इंग्लिश में इसको समझना है, सेट एड्रेस ABC की बजाय मैं इसको कर दूँगा FSD, या मैं अपना नियर शहर दे देता हूँ रजाना, कि मेरा जो नियर सिटी है, मतलब अपडेट पर्सन टू सेट एड्रेस इन टू रजाना, मेरा RID जो एड्रेस आ रहा है वो ABC, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू ABC। अब जहाँ पे ABC होगा वहाँ पे ये सेट कर देगा रजाना, और यहाँ मैं कर देता हूँ अपडेटेड, और इसको सेव किया, और यहाँ पे CMD भी देखेंगे, और यहाँ पे आगे अपडेटेड, और अब डेटाबेस में चेक करेंगे, इसको हम ब्राउज पर क्लिक किया, ये रिलोड हो जाएगा, और ये देखो जहाँ जहाँ पे आ रहा था ABC वहाँ वहाँ पे आ गया रजाना। अब मैं इस बाबर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे जो नेम है सेट नेम, नेम बाबर की बजाय मैं क्या करता हूँ बाबर अली कर देता हूँ, बाबर अली नेम कर दो बाबर अली, जहाँ पे वेयर मतलब जहाँ पे एड्रेस जो नेम है, यहाँ पे अब नेम की फील्ड देंगे, जहाँ पे नेम जो है वो इक्वल है बाबर के, इस तरह से आप यहाँ पे दूसरी फील्ड के साथ भी मैच करवा सकते हो। यहाँ पे अभी आ गया अपडेटेड, और इसको हम करेंगे यहाँ पे रीलोड, तो यहाँ पे बाबर की बजाय आ गया बाबर अली। तो इस तरह से आप डाटा को अपडेट कर सकते हो। अच्छा अपडेट के मुतालिक, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हो, एक्चुअल आप कोड लिखते हो, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये अपडेट क्वेरी होती है। अभी तो आपको आसान सी लग रही है ना, बस है भी आसान, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन जितनी भी बाकी क्वेरीज है ना, मतलब आपकी इंसर्ट करना, डिलीट करना, और उसके बाद सेलेक्ट करना, सेलेक्ट वाली तो बहुत ज़्यादा डीप है, सिंपल चीज़ें तो उसकी आसान है, लेकिन जो अपडेट वाली ना, ये इनसे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग में आते हो तो तब क्या होता है, एक जो डेटाबेस है, एक टेबल से या एक आप कॉलम से डाटा को ले रहे होते हो, फिर उसको शो करवा रहे होते हो, फिर उसकी आईडी या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से आप उसको अपडेट कर रहे होते हो। तो जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग में आते हैं, ये अपडेट क्वेरी आपकी बहुत मुश्किल बन जाती है, लेकिन इंशाल्लाह जब इस ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे, बेसिक ट्यूटोरियल्स के कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कंप्लीट हम एक इसके साथ एक ऑपरेशन भी करेंगे, क्रड ऑपरेशन, मतलब उसमें हम जितनी भी क्वेरीज हमने अभी तक लर्न की हैं उनको अब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब हम एक HTML फॉर्म के ज़रिए HTML फॉर्म बना के डाटा को इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, वो सारे ऑप्शन देखेंगे जो कि आप एक एक्चुअल वेबसाइट में देखते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो चैनल क्लास में सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ मिस ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।